शरावस्ती दो दिवसीय लोक कल्याण मेले का सांसद एवं विधायक ने किया उद्घाटन। शरावस्ती जिले के तहसील मुख्यालय इकोना के जगतजीत इंटर कॉलेज के प्रांगण पर प्रदेश सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर दो दिवसीय लोक कल्याण मेले का शुभारंभ सांसद ददन मिश्रा एवं विधायक राम फेरन पांडे ने फीता काटकर तथा माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर किया। वही एक साल नई मिसाल सरकार की उपलब्धियों से संबंधित सूचना विभाग सहित तमाम विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल प्रदर्शनी व सांसद एवं विधायक ने अवलोकन किया। इस अवसर पर सांसद ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार ने चुनाव के दौरान जो लोक कल्याण संकल्प पत्र में जो वादा किया था उसे सरकार ने एक साल में ही पूरा करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वही विधायक राम फेरन पांडे ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार ने मात्र एक वर्ष में ही तमाम ऐतिहासिक योजनाओं का संचालन कर जन जन को लाभान्वित करने का काम किया है। लोक कल्याण मेले में तहसील इकोना के अंतर्गत बाढ़ के दौरान हुए मृत्यु पर प्रधानमंत्री राहत कोष में से 2-2 लाख रुपए का चेक सांसद एवं विधायक द्वारा मृतक के आश्रित के परिवार जन को दिया गया। कार्यक्रम का संचालन शिव कुमार पाठक ने किया। इस अवसर पर तहसीलदार इकोना राम दयाल नायक, तहसीलदार इकोना विनोद गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष बीजेपी ओम प्रकाश द्विवेदी, महामंत्री अधिवक्ता संघ इकोना श्रीधर द्विवेदी, बीआरसी इकोना विनय कुमार पांडे, मोहनलाल पांडे, उत्कर्ष दीक्षित, मानस सिंह, डॉक्टर गिरिवर प्रसाद सहित अन्य तमाम माननीय जनप्रतिनिधिगण एवं तमाम विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। हमारे माननीय अगर फिर आता है तो बिजली भी आती है 18 घंटा 20 घंटा और 24 घंटा देने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। आयोजित इस लोक कल्याण मेले में हमारे बीच में उपस्थित आपके क्षेत्र के कर्मठ जुझारू संघर्षशील विधायक आदरणीय राम फेरन पांडे जी होने वाले हैं। आप लोगों के अच्छी प्यार से होगा आशीर्वाद से 2017 में संपन्न हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा के आम चुनाव में जो ऐतिहासिक विजय और प्रचंड बहुमत 325 सीटों के माध्यम से देने का काम किया था। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का भी कि उत्तर प्रदेश की बागडोर एक कर्मयोगी के हाथों में सौंप करके हम सब लोग को बहुत बड़ा आदर और सम्मान देने का काम किया है।